नमस्कार, द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं पनीर का पराठा बनाने जा रही हूँ, जो बरसात के मौसम में सभी को बहुत ही पसंद है और अच्छा लगता है बरसात के मौसम में खाने में। अब मैं चलती हूँ। एक बर्तन में एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैदा, दोनों को एक साथ मिक्स करके रख लेंगे। दोनों को एक साथ बना रही हूँ मिक्स करके। आधा चम्मच अजवाइन है और आधा चम्मच कलौजी और 2 चम्मच घी डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो केवल आटा से बना सकते हैं या केवल मैदा से बना सकते हैं। आप जिस चीज़ से पसंद करना करते हैं उस चीज़ से आप खास बना सकते हैं। इसमें आधा कटोरी दही डाल करके मिला देंगे सबको इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा लेंगे, गूंथ लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब इस पर थोड़ा सा तेल डाल करके मिला देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं चलती हूँ, पनीर को कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ से भी मैश कर सकते हैं लेकिन इससे एक समान हो जाएगा। और एक आलू लेती हूँ, बॉयल करके ठंडा कर ली हूँ, इसको भी कद्दूकस कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप, अभी 3 प्याज है, इसको भी मैं चॉप्ड कर लेती हूँ। ये बटर को गरम कर रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा डाली, फिर 1 चम्मच धनिया को मैं दरदरा कर ली हूँ और इसमें फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि धनिया का फ्लेवर पनीर में बहुत ही अच्छा लगता है। ये लहसुन का दरदरा किया हुआ है, क्रस्ट है। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, और प्याज को इसी में डाल करके सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल सॉफ्ट करना है। और कसूरी मेथी का फ्लेवर लाजवाब लगता है इसमें। इसको थोड़ा सा हाथ पर मसल देंगे और जो इसमें डंठल है उसको निकाल कर हटा देंगे, फिर इसमें फ्राई कर लेंगे। और मैं हल्दी डालना भूल गई हूँ, पहले ही डालती हूँ, तो इसमें बीच में थोड़ा सा बटर डाल करके और हल्दी को फ्राई कर लेती हूँ और फिर सभी में मिक्स कर देंगे। अगर हल्दी नहीं भी पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं देता, कलर के लिए किया जाता है। अब ये पनीर में और आलू में इस सभी को एक साथ डाल देंगे इसको इस तरीके से। और इसमें अब नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, अब जितना मटेरियल है उस हिसाब से। ये हरी मिर्च मैं बारीक काट करके रखी हूँ, इसको भी डाल दी हूँ। धनिया पत्ता है, इसको भी डाल दूँगी और सबको मिला लेंगे एक साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये पनीर का पूरा मटेरियल। अब आलू भी मेरा, ये आटा भी मेरा रेस्ट हो चुका है। अब इसका लोई बना करके, ये मेरा 12 लोई हुआ है, तो चलिए पराठा का मैं तैयारी करती हूँ। सबको मैं पहले बेल लेती हूँ। ये छोटा बड़ा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप केवल साइज पतलापन देखिए इसका थिकनेस। इस तरीके से सबको मैं बेल करके रख ली हूँ। अब इस पर मटेरियल डाल करके ऐसे फैलाएंगे और ऊपर से एक रोटी डाल करके देखिए चारों तरफ से दबा देंगे इस तरीके से, और फिर दबाने के बाद इसको चारों तरफ से चाकू से काट देंगे ऐसे। और इस पर थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करेंगे और फिर बेलन से इसको बेल देंगे, ताकि चारों तरफ इसमें का जो मटेरियल है चारों कोने कोने चला जाए। और इसी तरीके से पहले मैं सभी को बेल करके तैयार कर लेती हूँ पराठा। देखिए
फिर ननस्टिक तवे पर इसकी सिकाई करूँगी। बहुत ही शानदार बनने वाला है, आप लोग ज़रूर बनाइए। इसको ढक करके 2 मिनट पर फिर चेक करेंगे। ये चारों तरफ से हो चुका है, इसको पलट करके देखिए ऐसे कीजिए, सुनहरा दिख रहा है दोनों साइड से। अब सबको इसी तरीके से मैं तल लूँगी। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है और टेस्टी तो लगने वाला है। आप लोग भी घर पर बनाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोगों से कैसा बना। देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ ये कैसा दिख रहा है। देखिए चारों तरफ फैल चुका है इसका मटेरियल, अभी गर्म है। देखिए सॉफ्ट कितना है, बहुत सॉफ्ट है। आप चटनी से, हरी धनिया की चटनी से या मीठी चटनी से, जिस चीज़ से खाना पसंद करते हैं उस चीज़ से आप खा सकते हैं। मैं दही से सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। देखिए हरी मिर्च का ग्रीन, पीला सब दही से भी बहुत टेस्टी लगने वाला है। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।